हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 15 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब इसकी एक्सरसाइज 15.1 करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ग्राफ का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, आपको एक प्लेन दिया हुआ होगा, ठीक है। इस प्लेन में हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो, ये हमारी क्या होती है, अगर किसी प्लेन में हॉरिजेंटल लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को, और हमारी वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस को, ठीक है। इसके बाद ग्राफ में आप ये क्या होता है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है हमारी कि एक्स एक्सिस में अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, नंबरिंग होती है पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे तक करेंगे। और अगर इसी एक्स एक्सिस पर हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमारी नंबरिंग क्या होती है, माइनस में, जैसे -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर राइट हैंड साइड तरफ जाते हो तो हमारे नंबर पॉजिटिव में आते हैं, और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो आपके नंबर नेगेटिव आते हैं। उसी तरीके से जब वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस में आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो नंबर किस में आते हैं अपने, पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ऊपर की तरफ जैसे जाओगे ना, तो नंबर हमारे पॉजिटिव आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस में डाउन की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो हमारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक प्लेन के अंदर हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है हमारी। इसी तरीके से इसमें ये दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस पर, तो हमारे नंबर पॉजिटिव में आते हैं, और ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे नंबर नेगेटिव में आते हैं। और देखो, ये क्या होते हैं, हमारे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सब। इसी तरह वाई एक्सिस में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर आएंगे, और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं। इसके बाद अब देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4th पार्ट में। तो ये हमारा होगा कंपाउंड फर्स्ट, या इसे कंपाउंड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसे हम क्वाड्रेंट सेकंड बोलते हैं, ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा क्वाड्रेंट 4 होता है। तो इस तरीके से हमारे प्लेन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, अब होते हैं कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट देखिए हमारे होती है किसी भी पॉइंट की लोकेशन, ठीक है। जैसे अब देखो, कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को हम इस टाइप से लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई। तो किसी भी जगह, जैसे मानो ये प्लेन है, इस प्लेन पर अगर मैंने यहाँ पर अपनी कोई बुक रख दी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी कोई बुक रखी, फिर मुझे बताना है कि आपको बताना है इस बुक के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी इस बुक की, ये जो बुक है जहाँ पर रखी हुई, इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन को फाइंड करना या बुक की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखी हुई है, तो देखो अगर हमने यहाँ पर बनाया, तो 0 के रिस्पेक्ट में इस बुक की लोकेशन क्या है, इस बुक के कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो, एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें तो 2 पर आते हैं, और वाई एक्सिस पर अगर हम चलें ऐसे तो भी 2 पर आते हैं। तो देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ करी अगर हमने सीधी, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, एक्स एक्सिस 2 पर जा रही है और वाई एक्सिस भी 2 पर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर। तो इसकी लोकेशन या इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सिस, एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपना, एक्स, देखो एक्स एक्सिस 2 पर है ना, एक्स 2 पर है, तो एक्स की जगह कितना जाएगा, 2, और फिर वाई, वाई की लोकेशन क्या है अपनी, 2 है, तो 2 × 2, 2, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई के, इन दोनों को मिला के लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 2, 2। इसी तरीके से अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, जैसे हमने लिया 3 और -1, अगर आपको कोऑर्डिनेट ऐसे दी थी कि आपको बताना है कि एक बुक को आपको रख के आना है, जैसे मानो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक को प्लॉट बी पर रख के आना है आपको, तो 3 - 1 है ना, तो ये तो कितना हो गया अपना एक्स, और ये हमारा क्या है, वाई। तो एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है,
और y की वैल्यू माइनस वन का है यहाँ पर, है ना, तो माइनस वन पर सीधे चलो और ये कहाँ तक आ जाएंगे, थ्री से यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, थ्री और माइनस वन, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अपने, थ्री और माइनस वन हो जाएंगे। तो किसी भी ग्राफ पर पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं तो वो आपने सीख लिया है। इसके बाद है एक लाइन ग्राफ की। अब देखिए लाइन ग्राफ क्या होता है हमारा, लाइन ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए जिस तरह से हम नंबर लिख रहे हैं ना, इस तरह से हम नंबर क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं और इन नंबर्स को जब हम जॉइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, लाइन ग्राफ बन जाता है। जैसे ये देखते हैं, जैसे आपने ये लिखा, इसके बाद इस पर हमने जैसे नंबर लिख दिए 1 2 3 4, इधर कितने जगह माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये ऊपर की तरफ अपने जाते हैं 1 2 3, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ कितना जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये वाई है, ये अपनी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये सिर्फ मैं सिंपली एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, बाकी आपके क्वेश्चंस के अंदर आएंगे हम उस तरीके से करेंगे। अब जैसे कुछ हमने नंबर प्लॉट करने हैं तो मैंने आपको कुछ लोकेशन दे दी या कुछ भी नंबर अगर हमने आपको दे दिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि आपको क्या करना है, 3 1, एक ये है पॉइंट, एक है हमारा 2 1, 2 2 लिख देते हैं, 2 2, और एक हम लिखेंगे 4 और -3। अब देखो हमें कितने पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अब अगर हमें इनका लाइन ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, 3 1, यानी x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 है, तो देखो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, ग्राफ में ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसको जैसे ए बोल दो, इसे बी बोल देते हैं और इसे सी बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया पॉइंट ए। इसके बाद 2 2, तो 2 ये रहा ऐसे और एक 2 ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, बी। इसके बाद सी कितना है, 4 और -3, तो 4 अपना यहाँ पर है, वाई कितना है, -3 है, तो -3 पर सीधे सीधे चलते हैं 4 पर, ये आ जाएगा, तो एक पॉइंट अपन को यहाँ मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है अगर, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्केल से इन जॉइंट को, जितने भी पॉइंट है ना, इन पॉइंट को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको और नंबर दे रखें, आपको और नंबर प्लॉट करने, तो आप और पॉइंट को कर देंगे और फिर उन सारे पॉइंट्स को जब हम जॉइन कर देते हैं तो ये इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, लाइन ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ आपको समझ में आया, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर प्लॉट करने, नंबर प्लॉट करने के बाद उन सब पॉइंट्स को, जितने भी आपने नंबर प्लॉट करे हैं तो उनके सारे पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन ग्राफ मिल जाएगा। देखिए अब है अपनी एक्सरसाइज 15.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू रीच सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, स्टडी द टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको एक ग्राफ दे रखा है, अब आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पर तो टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस दे रखी है। अब आपको इस ग्राफ को देख के आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कितना टाइम है ना, यानी कितने बजे से स्टार्ट है, 5 बजे से स्टार्ट है, फिर 12 बजे तक, और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद का दे रखा है, तो नीचे टाइम दे रखा है पूरा एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो देखो जैसे हमने 0 से स्टार्ट करा, तो 0 से जैसे हम चले तो यहाँ पर कितने हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10, और किसमें, किलोमीटर में। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो अब यहाँ पर कहाँ पहुँच गए हम, 100 पर पहुँच गए, तो 100 पर पहुँचे यानी कि 100 किलोमीटर हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर करा। कितने कितने बजे पहुँच गए, 7 बजे, देखो यहाँ पर है ना, तो सुबह 7 बजे, अब 5 बजे स्टार्ट कर रहे थे, 7 बजे आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 100 डिस्टेंस कवर कर लिया था। और उसके बाद देखो 7 बजे से हम 8 बजे तक हमारा क्या हुआ, 1 घंटा हमने रेस्ट करा। रेस्ट क्यों किया, क्योंकि अब देखो हमने 7 बजे भी हम कितने डिस्टेंस हमने कवर किया था, 100, ठीक है ना, 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, और 8 बजे भी हम कहाँ पर हैं, 100 किलोमीटर पर ही हैं। तो जब ये कांस्टेंट आ जाते हैं ना, डैट मीन्स क्या हुआ कि जब ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, इसका मतलब ये है कि 7 से 8 बजे के बीच 1 घंटा हमने क्या करा, रेस्ट कर लिया। इसके बाद देखो 8 बजे से फिर आप चले, और कहाँ, 10 बजे जाके,
आपने कितना किलोमीटर, आप कितने किलोमीटर पर आ गए, 200 किलोमीटर पर आ गए ना, यानी कि 8 बजे से 10 बजे तक आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 200 माइनस 100 कर दोगे तो कितना जगह 100 किलोमीटर चले आप, यानी 8 से 10 दो घंटे में आप कितना चले 100 किलोमीटर चले। उसके बाद देखो फिर 10 बजे से 11 बजे के बीच आपने फिर रेस्ट करा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो रेस्ट कर लिया। फिर रेस्ट कर 11 बजे से फिर 12 बजे एक घंटे पर फिर आपने अपना क्या करा, फिर आप चले। तो देखो पहले कितने थे अपन, 11 बजे 200 पर थे, फिर 12 बजे में 250 पर आ गए, यानी आपने कितना किलोमीटर कवर कर लिया, 50 किलोमीटर कवर कर लिया। इसी तरह से 12 बजे से 1 बजे के बीच फिर कांस्टेंट आ गया, यानी आपने रेस्ट किया। फिर 1 बजे से आप चले और देखो कि कहाँ तक चले, 3 बजे तक आपने क्या करा, कंटिन्यूस ड्राइविंग हुई और आपने 1 बजे से 3 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर करा, तो 1 बजे कितना डिस्टेंस कवर कर रखा था 250, और बी पर यानी 3 बजे आप कितना डिस्टेंस कवर हो गया 350, यानी आपने अगर हम बोले 1 बजे से 3 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, तो 350 माइनस 250 यानी कि 100 आ जाएगा, 100 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। तो इस तरीके से ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है ये मैंने आपको समझाया है। अब देखिए इसका अपन क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट में क्या है, एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव सिटी ए, आपको बताना है किस समय क्या बोलते हैं ट्रेन ने लीव करी सिटी ए, यानी ए सिटी देखो यहाँ पर है ना, 0 से स्टार्ट, ये 5 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, जब 5 बज रहे हैं ना, 5 बजे से इसने क्या करा, अपने इस स्टेशन को छोड़ दिया, यानी सिटी ए को छोड़ दिया इसने, और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई चलना। तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा, फर्स्ट है, फर्स्ट का ए, तो एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव सिटी ए, तो कितना आ जाएगा 5 AM द ट्रेन लीव सिटी ए, ठीक है, एट फाइव ए एम द ट्रेन लीव सिटी ए। इसके बाद इसका बी पार्ट करते हैं अपन, इसमें क्या है, व्हाट डिड द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, तो देखो 200 किलोमीटर कहाँ पर है हमारा, 200 किलोमीटर ये है ना, तो इसके आगे देखो कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर, तो कितने उस वक्त कितना बज रहा होगा, देखो वैन डिड ना, वैन यानी कितने बजे ट्रेन ने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, तो 200 पर देखिए ये पॉइंट यहाँ है और नीचे कहाँ पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है, और अभी AM चल रहा है ना, तो 10 AM आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 10 AM द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। इसी तरीके अब इसका क्या करेंगे, हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या है दे रखा है आपको, हाउ फार फ्रॉम सिटी ए वाज द ट्रेन एट 1 किलोमीटर, यानी आपको बताना है कि सिटी ए 1 बजे है ना कितने दूरी पर होगी, तो देखो 1 बजे कहाँ बजेगा, 1 यहाँ बजेगा, तो कितना चलोगे, देखो ए कितनी दूरी आ गई अपनी, 250 किलोमीटर आ गए ना, यानी हमने 1 बजे ए सिटी से आप 1 बजे कितने डिस्टेंस पर आ गए, कितना कवर कर लिया आपने 1 बजे, 250 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा, 250 किलोमीटर फार फ्रॉम सिटी ए वाज द ट्रेन एट 1 PM, यानी 1 बजे के बाद उसने कितना कवर करा है, 250, क्योंकि देखो 1 बजे ये ध्यान रखना यहाँ पर है ना, और ये कितना पर आ रहा है, 250 पर आ रहा है, तो 250 किलोमीटर हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब डी पार्ट इसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM, तो 1 PM और 3 PM में उसने कितनी स्पीड है उसकी, हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो 1 किलोमीटर, 1 से कितना है 3, यानी यहाँ पर कितना है 1 PM से 3 PM, तो 1 PM पे डिस्टेंस अपना कितना है 250 है, और 3 PM पे अपना डिस्टेंस कितना है 350 है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखो, वैन टाइम इज 1 PM, तो डिस्टेंस अपना कितना है 1 पे 250, और डिस्टेंस कवर व्हेन टाइम
कितना है अपना 3 PM, तो हमने कितना कवर कर लिया 350, तो क्या लिखोगे 350। तो अब इनका क्या कर देंगे हम, डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करा कितना हो जाएगा अपना 350 माइनस 250, इसको 2 लिखेंगे 250, तो आपसे कितना है अपना 100 आया। तो 100 किलोमीटर कितना हुआ जब हमने क्या करा ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। अब स्पीड फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी अपनी ड्यूरिंग, पूरा लिख लेते हैं, ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। अब देखिए कितनी हो जाएगी, स्पीड है ना, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया 100 हो गया अपना, तो डिस्टेंस हमने 100 लिख दिया अपॉन। अब टाइम की बात करते हैं, तो देखिए टाइम कितना है, अगर यहाँ पर मैं टाइम भी लिख देती हूँ टाइम, तो देखो यहाँ पे कितने हैं 3 AM और कितना है 1 AM, तो क्या करेंगे हम 3 माइनस 1 कितना आता है आपका 2, कितना आ जाएगा PM, यानी कितने घंटे 2 आवर्स, पूरा ऐसे लिख लो 2 आवर्स, यानी एक घंटे मतलब 1 बजे से स्टार्ट करा 3 बजे तक पहुँच गए, तो देखो 1 घंटा और एक ये 2 घंटे हो गए ना। तो अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, डिस्टेंस 100 हो गया, टाइम कितना हो गया 2, तो आंसर अपना कितना जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो हमें पूरी यूनिट के साथ लिखना है, तो इसका डी का आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम करेंगे इसका ई क्वेश्चन, तो देखिए ई क्वेश्चन में क्या है आपके, व्हाट वॉज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है ट्रेन की इस पूरी जर्नी में, यानी ए से बी तक की आपको पूरी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। अब देखिए कितनी हो जाएगी अपनी जर्नी, यानी यहाँ से लेके हम यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे, तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन टोटल डिस्टेंस ऑफ द सिटी ए टू बी, या तो ऐसे लिख लो टोटल डिस्टेंस ऑफ द सिटी ए टू बी अपॉन, क्योंकि ए से बी तक की सिटी की डिस्टेंस, और अपन नीचे के लिख देंगे हम टोटल टाइम। तो अब देखिए हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो हम पहले कहाँ से चले, 0 से चले, पहले 100 कवर करा हमने 7 बजे तक, तो कितना हो जाएगा 100 हो गया अपना, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 100 प्लस। अब 100 के बाद यहाँ पे कांस्टेंट है तो कुछ नहीं, यानी अपन ने कुछ कवर नहीं करा। फिर यहाँ से 100 से हम कहाँ पर चले, 200 पर, तो देखो 200 माइनस 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर है, 100 तो पहले चले अपन, 100 से 200 पर कितना चले अपन 100 और चले ना, तो 200 माइनस 100 करोगे। इसके बाद फिर कांस्टेंट है कुछ नहीं, अब देखो 200 से और फिर हम कितना पर है 250 है ना, तो 250 माइनस 200 करोगे प्लस 250 माइनस 200, रेस्ट वाला टाइम नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, फिर वापस रेस्ट है तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है हम। अब इसके बाद देखिए कहाँ से है ये 250 से, और हम अब चले तो बी कहाँ पर आ गए 350, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया अपना 350 माइनस 250, ये डिस्टेंस हो गया अपना। और टोटल टाइम देखिए, अब 5 बजे से चले थे ना, और कहाँ पर पहुँच गए हम 3 बजे पहुँच गए, तो 5 बजे से 3 बजे तक कितना टाइम हो गया, देखो 1 घंटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आवर्स हो गए, तो नीचे कितना लिखेंगे अपन 10 आवर्स। अब इसको आप कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 100, फिर 100 आ जाएगा प्लस 50 और 100 अपॉन 10, देखिए इस तरीके से इन सबको माइनस कर दिया और इक्वल लिख दिया। अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 बाय 10, और जब आप इसे 0 से 0 कट करोगे कितना आ जाएगा 35, और ये क्या है अपनी स्पीड है, ये अपनी
तो स्पीड कितनी आ गई अपनी, स्पीड को अपन किस में करते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो 35 किलोमीटर पर आवर अपनी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ई का भी अपना कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन एफ पार्ट। इसके बाद अपना एफ है, एफ में आपको क्या दे रखा है, हाउ मैनी आवर्स डिड द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट। अब देखो ट्रेन ने कब कब रेस्ट किया, कितने घंटे रेस्ट किया है, तो जहाँ जहाँ कांस्टेंट है ना, यानी 7 से 8 o'clock तक इसने रेस्ट किया, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। इसके बाद 9, 10 से 11 बजे के बीच 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट हो गया। फिर देखिए 12 बजे से 1 बजे के बीच 1 घंटा यहाँ पे रेस्ट हो गया, यानी कांस्टेंट है ना, तो 1-1 घंटे का इसने रेस्ट करा। तो कितने घंटे हो गए, देखो 7 से 8 1 घंटा, फिर 10 से 11 1 आवर्स, फिर इसके बाद 1 PM, ये भी कितना हो जाएगा अपना 1 आवर्स। तो 1, 2, 3 आवर्स हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिख देना डायरेक्ट 3 आवर्स डिड द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट, ठीक है, या डायरेक्ट लिख द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट 3 आवर्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, ऐसे लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट 3 आवर्स। 3 घंटे उसने रेस्ट करा, कितने से, 7 से 8 बजे 1 घंटा रेस्ट कर लिया, देखो 10 से 11 पर भी 1 घंटा रेस्ट कर लिया, और फिर 12 बजे से 1 बजे भी इसने 1 घंटा रेस्ट कर लिया। तो 1 घंटा 1 घंटा और 1 घंटा टोटल कितने हो गए, 3 आवर्स हो गए। तो 3 आवर्स उसने क्या करा है, ट्रेन ने रेस्ट करा है। तो इस तरीके से ये अपना हो जाएगा 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। आप इसे करेंगे और इसी तरीके के इसके बाकी के क्वेश्चन भी आप करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी हमने क्या करें पूरे एफ पार्ट तक, ए से एफ सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।